हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम इन द यूनिक कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आपको जो है बहुत से क्वेश्चन आंसर, लेटर राइटिंग या और भी बहुत सी चीज़ें मैंने आपको दिए, प्रोजेक्ट वर्क दिए। आज हम लोग जो है फिर से एक लेटर पढ़ते हैं जो 9th, 10th, 11th, 12th सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये लेटर जो मैंने लिखा हुआ है वो मैरिज पार्टी पर है। मैरिज पार्टी कभी कभी जो इंसान अटेंड करता है तो कभी कभी उसमें होता है कि जैसे दोस्तों को जो है नहीं दे पाते हम कार्ड जा करके, तो आप जो है करते क्या है कि लेटर ही लिख देते हैं और लेटर से ही अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं। उसी पर जो है आज ये लेटर है, तो हम लोग देखते हैं लेटर में क्या लिखा हुआ है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीडियो को 144 पे ना देखें। वीडियो की जो क्वालिटी है उसको, वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाएं। आप लोग जो है 360 पर देखेंगे तो बिल्कुल आपको जो है लेटर बिल्कुल साफ दिखाई देगा, क्योंकि 144 पे जो है जो फिगर आता है वो धुंधला आता है, साफ नहीं समझ में आता क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाएं, 360 पे ही आप देखें या उससे एबक पे देखेंगे तो आपको बिल्कुल वीडियो साफ दिखाई देगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है दोस्तों कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू द मैरिज ऑफ योर सिस्टर ब्रदर सेरेमनी। देखिए, पेपर में या तो सिस्टर पे आ सकता है या तो ब्रदर, ऐसे आप लिख करके तो उसमें नहीं देगा आपको। अगर सिस्टर पे आएगा तो आप सिस्टर नोट करेंगे, ब्रदर पे आएगा तो ब्रदर नोट करेंगे। जैसे मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टर या ब्रदर, अगर यहाँ पेपर में सिस्टर लिखा रहेगा तो यहाँ पे आपको सिस्टर लिखना पड़ेगा, अगर आपका ब्रदर रहेगा तो आपको यहाँ पे ब्रदर लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखा जाता है लेटर, लेटर लिखने का प्रारूप क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले तो क्या करते हैं, ऊपर जैसे कोई नंबर ऐसे लिख देते हैं, जो भी आपको नंबर में समझ में आता है 2-3 डिजिट का नंबर वो लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है उस जैसे होता है गली मोहल्ला नगर जो भी कॉलोनी कोई होती है, ऊपर ऐसे कॉलोनी का नाम या किसी रोड का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। और ये कॉलोनी है कहाँ, जैसे बनारस में है, मेरठ में है, प्रयागराज में है, भोपाल में है, आगरा में है, जो आपका स्थान आपको समझ में आता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या देना है, यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना है। आप ऐसे भी डेट लिख सकते हैं, पहले डे, पहले आप जो है ये मंथ का नाम भी लिख सकते हैं, या तो पहले आपको ये जो डेट लिखा हुआ है डेट को पहले कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है मंथ डाल सकते हैं, उसके बाद कामा लगा दीजिए, उसके बाद ईयर डाल दीजिए। अब ये दोस्तों देखना ये है कि हमको लेटर लिखना किसको है, फ्रेंड को लिखना है कि फादर को लिखना है कि किसे लिखना है। अगर यहाँ फ्रेंड को लिखना है तो माय डियर फ्रेंड, अगर यहीं फादर को लिखना होता तो हम क्या करते हैं, माय डियर जो है फादर, माने जिसको यहाँ पे सिस्टर को लिखना है तो माय डियर सिस्टर, जिसको लिखना रहेगा हम उसी को लिखेंगे। दोस्तों लेटर का जो शुरुआत होता है, पहले उनसे अगर अधिकतर जो है लोग जैसे होता है कि कहीं हम जाते हैं तो पहले क्या करते हैं हालचाल अपनी कर लेते हैं, या अपने बारे में हम बताते हैं कि हम कैसे हैं यहाँ कैसे नहीं हैं, उसी के बारे में हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये ध्यान रहे दोस्तों, इसकी जो सीरियल क्रम है ये टूटना नहीं चाहिए, एकदम लाइन से आना चाहिए। पहले होता था कि इधर उधर होता था, लेकिन अब नहीं होता है, अब सीरियल से होता है सब। अब जैसे लिखा है कि आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, ग्लैड माने खुशी, माने मैं कह रहा है कि बहुत, अब मैं जो है आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ आपको सूचित करते हुए, इन्फॉर्म देते हुए कि द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर या ब्रदर। मैंने कहा ना यहाँ सिस्टर का रहेगा तो सिस्टर का, ब्रदर का रहेगा तो ब्रदर का लिखना है आपको। माने मैं आपको सूचित करते हुए जो है बहुत खुश हूँ कि मेरे जो है भाई या बहन का, या बहन या भाई का जो है मैरिज माने शादी गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर 2022। दोस्तों ये डेट अपने से आप मेंशन कर सकते हैं, डेट को आप बढ़ा मतलब अलग ये अलग कर लिख सकते हैं, जो आपको डेट समझ में आता है वो डेट डाल लीजिए। जो डेट आने वाला है माने ये वाला जो डेट है आपका, ये आप जब भी डालेंगे आगे का डालेंगे, और जो यहाँ पे डेट मेंशन मैंने किया है ये डेट हमेशा बैक का रहता है माने पीछे का रहता है, और ये डेट हमेशा आगे का रहता है माने जो आने वाला है।
तो दोस्तों मैंने इसमें दिखाया क्या है कि जो मैरिज पार्टी का जो डेट पड़ा हुआ है 25 दिसंबर 2022 को पड़ा, और यू आर करा है कि हर्टली इन्वाइटेड, माने आपको जो है करा हर्टली का मतलब पूरे मन से आप सादर आमंत्रित हैं टू अटेंड द मैरिज एंड इन्जॉय द ओकेजन। माने वहाँ बताया गया दोस्त ने जो है क्या लिखा कि आप जो है पूरी तरह से शादी में आमंत्रित हैं और इन्जॉय द ओकेजन, माने इस अवसर का जो है इन्जॉय करिए। और आई एम इन्वाइटिंग अवर ऑल फ्रेंड्स आल्सो, दोस्तों वो लिखा है कि मतलब जो है इसमें लिखा है कि मैंने जो है क्या किया, अपने सभी जो है दोस्तों को इन्वाइट किया है, जिससे जो है तुम्हारी मुलाकात भी हो सकती है वहाँ पे। और आगे लिखा है दोस्तों, कान्वे माई जो है बेस्ट रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, माने जो है अंकल और आंटी को मेरी तरफ से जो है आप जो है उसे उन्हें जो है प्रणाम बोलिएगा, उन्हें जो है रिगार्ड्स मेरी तरफ से कहिएगा। और योर्स ट्रोली, ये भी दोस्तों देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, योर्स ट्रोली लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली लिख सकते हैं, या आप जो है अपने योर लविंगली फ्रेंड भी लिख सकते हैं आप इसमें यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों नेम मेंशन नहीं करिए, अगर ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर नेम मेंशन है तब तो आप यहाँ पे नेम लिखिएगा, अगर नेम नहीं दिया है तो आपको नेम नहीं लिखना है। तो दोस्तों यही इसमें ये लेटर है, और ये लेटर का आपको स्क्रीन शॉट भी मैं दे रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट भी इसका ले लीजिए। और ये बोर्ड के पेपर में भी आ सकता है, 9th 10th 11th 12th सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बोर्ड वाले बच्चे खास करके इसे देखते रहें, और वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब आप करते रहिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपका जितना भी नोटिफिकेशन, जितना भी मैं वीडियो बनाऊँ आप पर सबसे पहले पहुँचता रहे। थैंक्स टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स।